अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आवाज, तुम अभी तक सो ही नहीं पगली? हाँ, वो कहा है ना कि आपसे बहुत जरूरी बात करना है हमको। अच्छा, क्या बात करना है? एक तो बात बताइए हमको लड्डू की भैया, का आप कभी अपनी बाड़ी पर टटुआ गुदवाने का सोचे हैं या बनाए हैं? टटुआ? टैटू तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़ा है? नहीं भाई, कभी नहीं गुदवाए हैं। हाँ तो आप गुदवा लीजिए हमरे नाम का अपने सीने पर। क्या? हम बोल रहे हैं कि हमरे नाम का टटुआ अपने सीने पर गुदवा लीजिए। अच्छा, ये महान विचार तुम्हारे दिमाग में अचानक से कैसे कौंधा? वो कहा है ना कि हम अनीता जी के यहाँ गए रहे, वहाँ वो मेरी चंद सहेली की जो मालकिन है ना, कलावती शर्मा जी, वो आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये महान विचार जो है तुम्हारे दिमाग में कलावती शर्मा ने घुसेड़ा। सही पकड़े। तो तुम्हें उसका विचार अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब तुम चाहती हो कि हम अपने शरीर में एक तो टैटू तुम्हारे नाम का गुदवा ले। हाँ, उका है कलावती शर्मा जी बोली रही कि अगर कोनो पति अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है तो उको अपने सीने पर अपनी पत्नी का नाम गुदवा लेना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छे। मतलब कल को अगर कलावती शर्मा कहेगी कि अपने पति से कहो कि वो तुम्हारी खुशी के लिए अपने नाक और कान कटवा ले, तो तुम उनकी बात मानोगी? हाँ, मानोगी। लेकिन वो नाक कान काटने का है, काहे बोलेंगी? वो कौन है, पागल तो नहीं है? हाँ है, मर्दों से नफरत करती है, कुछ भी कर सकती है। अरे भाभी जी तो उसके चक्कर में फंस चुके, तुम मत फंसो, समझी? हम कौन फंस नहीं रहे हैं, आप जितना बॉडम समझते उतने हम नहीं हैं। लेकिन एक तो बात हम ये भी मानते हैं कि अगर कोनो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो सीने पर अपनी पत्नी का नाम गुदवा लेने में कोनो समस्या नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है इसमें कितना बड़ा रिस्क है? कारिसक? हमारे एक दोस्त ने ऐसे टैटू अपने शरीर पे गुदवा लिया था, उसके पूरे शरीर में सेप्टिक हो गया। वो क्या होता है? अरे वो जहर फैल गया। का? हाँ, और पूरे शरीर से खाल ऐसे से उधड़ने लगी, बड़ी मुश्किल से जान बची है, समझी? और अगर फिर भी तुम चाहती हो कि हम ये गुदवा लें तो ठीक है भाई, हम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। चाय पिला यार। अच्छा बेटा, तुमने भी गुदवा लिया? हाँ भैया, बिना गुदवाए चैन नहीं है। अच्छा, तो मतलब तुम भी पीड़ित हो? जी भैया। अरे जी, यू टू हैशटैग मी टू। आज सुबह से उन्होंने एक कप कॉफी तक नहीं पीने दिए, सेम राग लाप रही है सुबह से। गुदवा लो, गुदवा लो, सोते बैठते उठते जागते गुदवा लो, बस गुदवा लो, बस गुदवा लो। अंगूरी भी बस राग गुदवारी अलाप रही है। प्यारे जी, शिक्षा भी तो उस बेसुरी औरत ने दी है, वो जो कलावती शर्मा एडिटर है, जो चंद सहेली की, उसने इन दोनों को बेसुरा करके हमारी जिंदगी के सुरताल बिगाड़ दिए। अब सुरताल संतुलित करने के लिए एक ही रास्ता बचा है विभूति जी, कि हम जो है वो राग गुदवारी के सुर में सुर मिलाएं और अपनी पत्नियों के नाम अपने सीने पर गुदवाएं। मुझे सुई से बहुत डर लगता है। अरे यार, अरे कुछ नहीं होगा भैया, यहाँ टोनी टैटू नाम का एक आर्टिस्ट है, वो कब आपको गोद देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो चलिए भभूति जी, फिर रोज की चाय चाय से तो अच्छा ही है कि हम अपनी बीवियों के नाम अपनी छाती पर गुदवा लें। या वो या? एक कहावत है ना कि वो क्या, नो पेन एंड नो गेन। हाँ वही। ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलिए। हेलो भैया लोग, इज दैट यू सक्सेना जी? यस। ये क्या नया स्वांग रचा रखा है? स्वांग ऐसा भैया कि स्वांग नहीं, स्वैग है। मीट सीनियर अनोखे लाल सक्सेना, प्रोफेशनल टेलर। ओह, तो अब आप प्रोफेशनल टेलर हैं? यस, एब्सोल्युटली यस भैया, यस। मैंने अभी अभी इटालियन ओरिजिन के वर्ल्ड फेमस टेलर मार्क टेलरोनी, मेरे गुरु, उनके अंडर में
टेलरिंग की शिक्षा ली है, बहुत बड़ा कोर्स किया है, और उस कोर्स को करने के बाद मैं अभी अभी इटली से सीधा वापस आ रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, गुड गुड गुड। हम भी आपको वो भी बताएंगे, हमारे लिए भी सेल देना वो कुछ इटालियन स्टाइल। इंडियन स्टाइल की तो आपकी औकात है नहीं। चले हैं इटालियन स्टाइल। ऐसा भैया कि टेलरिंग के इस कोर्स के दौरान जिस तरह की शर्ट्स और टी शर्ट्स और ट्राउजर्स मैंने सिली है ना, अगर आपने उन्हें देख भी लिया ना, तो आपके कच्छे की सिलाई खुल जाएगी, ऐसी खुलेगी कि आप रफू भी नहीं करवा पाएंगे। That's true, that's true. पर इटालियन स्टाइल पहनने के लिए बंदे में स्टाइल भी होना चाहिए। आप में स्टाइल नहीं है, वो स्टाइल मुझ में। I got that Italian look. बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं आप भैया। आप सिर्फ फिनाइल डाल के पोंछा मार सकते हैं, स्टाइल नहीं। हक्का नूडल्स खाने की औकात है नहीं, चले हैं आलियो ओलियो पास्ता खाने। I like it. क्या बनवाएंगे? कमल का फूल, गुलाब का फूल, उगता सूरज, डूबता सूरज, चांद, तारे, नदी किनारे, गिरती झरने, उड़ती घटाएं, बकरी, शेर, चीता, भालू, गोभी, पालक, भिंडी, आलू। एक किताब है, देख लो, लिस्ट बहुत लंबा। देखिए, हमें ऐसा कोई टैटू नहीं बनवाना है, हमें अपनी बीवी का नाम लिखवाना है अपने छाती पे। हाँ तो गुद जाएंगे। हाँ तो गुद दो। गुद देंगे। हेलो हेलो हेलो, आर यू ड्रंक? आपने पी रखी है क्या? रोज ही रहते है? रोज रहते है? पी बनाओगे रोज का है? है? अच्छा, तुमने अपने बॉडी पे कोई टैटू क्यों नहीं बनवाया? बनवाया काहे नहीं बनवाएंगे? कहाँ बनवाया? दिखाओ दिखाओ। ज्यादा डीप में मत जाओ, एक एक ड्रिंक अटको। हम दिन में शराब नहीं पीते हैं। बस शराब नहीं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। अच्छा हाँ, वो चलेगा। तेरी की चीज मेरी तो चलेगा। कोल्ड ड्रिंक की तू दे रहा है? मैं कह रहा था कि ये बना पाएगा टैटू। सो गए। हाँ, हमने कहा बना लोगे ना? बंद आंखों से लोगों का टैटू बनाया। सौ बात की एक बात, होश में बने टट्टू, मदहोशी में बने टैटू, समझे? नजर बट्टू। दर्द वरद तो नहीं होगा ना? मैं फील नहीं करोगे, कब बन गया तो ठीक है फिर। बट अब ये देखिए, ये मेरी वाइफ का नाम है, ये मेरी छाती पे लिख दीजिए, इसका टैटू बनाइएगा, ये लीजिए। और ये हमारी पर्ची है, इसमें हमारी बीवी का नाम लिखा है, ये बना दीजिए टैटू। गुज जाएंगे। वो यार, तुमको कोल्ड ड्रिंक पिला था, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग चिल बेबी। ये अच्छा फ्यूजन है, वेस्ट का और इंडियन का, बना रहा टैटू। देखो लुंगी पहनी हुई है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।